पर कोटपा का कोड़ा, राजस्थान में हुक्का बार पर बैन, काटनी पड़ेगी जेब, देना होगा जुर्माना, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध के लिए बनाए गए कोटपा एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन कर इसे और प्रभावी बना दिया गया है। कोटपा एक्ट में पहली बार हुक्का बार शब्द को भी परिभाषित किया गया है। कोटपा एक्ट में नई धारा 4 क जोड़ते हुए लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान या भोजनालय पर हुक्का बार नहीं खोल सकता। किसी भी रेस्टोरेंट में भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने पर रोक लगा दी गई है। संसद ने 2003 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद को लेकर कोटपा एक्ट बनाया था, जिसमें राजस्थान विधानसभा ने 2019 में संशोधन किया गया और 21 जनवरी 2020 को इस अधिनियम का राजपत्र जारी किया। एक्ट के लागू होने के साथ ही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने राजपत्र के नियमों का हवाला देते हुए गाइडलाइन जारी की है। अब जो नया जो सेक्शन जुड़ा है कोटपा में, सेक्शन 4A, उसके अनुसार अब हुक्का बार पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे। पहले जो कोटपा में कुछ शर्तों के आधार पर हुक्का बार संचालित किए जा सकते थे, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें संशोधन किया है और धारा 4A नई जोड़ी है, जिसके तहत अब किसी भी सूरत में कोई हुक्का बार कहीं भी संचालित नहीं हो सके। पहले कोटपा एक्ट के तहत 200 रुपए के जुर्माने को अब इसे 250 गुना बढ़ा दिया गया है। कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, साथ ही 1 साल से 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सभी थानों को निर्देशित कर दिया है। मॉनिटरिंग भी कमिश्नरेट स्तर पर की जा रही है। कमिश्नरेट स्तर पर हुक्का बारों को चिन्हित कर दबिश दी जाएगी। हुक्का बार अब कहीं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी भी जगह, कहीं भी, एयरपोर्ट या कहीं भी हुक्का बार अब किसी भी सूरत में नहीं चलेगा और इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है। इसमें FIR दर्ज होगी, 1 साल से 3 साल तक की सजा के प्रावधान है, 50,000 से 1,00,000 रुपए तक की जुर्माने के प्रावधान। नए कोटपा एक्ट के तहत अब सख्ती से नियमों की पालना करवाई जाएगी, जिससे प्रदेश में अब हुक्का बार पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी और युवाओं को नशे से दूर किया जा सकेगा। अब अगर कोई भी इस तरह के नियमों को तोड़ता है तो कहा जा सकता है 3 साल के लिए वो जेल जाएगा और इसके अलावा 1,00,000 रुपए तक का भी जुर्माना हो सकता है। यानी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने साफ कर दिया कि अब जयपुर में हुक्का बार नहीं चल पाएंगे, अगर चलेंगे तो इन्हीं कड़े नियमों के तहत आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ शरद।